नमस्कार, मैं अनु। आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ विधानसभा। यहां मौजूद लोगों से बात करेंगे क्या इनका मिजाज है, इस बार आने वाले विधानसभाओं में किसकी सरकार चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस की जी? बीजेपी से क्या नाराजगी? बीजेपी से कुछ नाराजगी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम करवाए हैं। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा शासन किया है। हमारे यहाँ की जो ये रामगढ़ विधानसभा है, इसमें जो वोटों का जो वर्गीकरण है वो धार्मिक आधार पर है। काफ़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स भी हैं, हिंदू वोटर्स भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कांग्रेस का कार्यकाल तो उनकी अच्छा। मतलब इस बार उनके पति को टिकट मिला है कांग्रेस से? जी जी जी, जुबेर खान जी को जुबेर खान को मिला ना इस बार? जी जी हाँ जी। इस बार किसकी सरकार ला रही हैं आप राजस्थान में? ए भाई, मैं तो मेरा वोट वोट देती है नहीं वोट ना यहाँ ना वोट वहाँ वोट देते हैं आप? हाँ, वोट किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार राजस्थान में? वोट देते हैं ना। किसकी सरकार ला रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में सरकार, राजस्थान में सरकार बीजेपी की आएगी। अभी तो ये कह रहे हैं कांग्रेस की आएगी यहाँ भैया। राजस्थान में सरकार बीजेपी की आएगी। और आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी का कैंडिडेट। ये कह रहे बीजेपी का, आप कह रहे कांग्रेस का? नहीं, मेरे मत के अनुसार यही है कि कांग्रेस आ रही है। बाकी उनको लगता है कि बीजेपी आ रही है तो ये भी अच्छी बात है। अभी देखते हैं कि चुनाव नजदीक है, परिणाम। अच्छा, ये युवक है, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, फिर क्यों बीजेपी? लेकिन यहाँ बदलाव से बदलाव काम कोई अच्छा करे, बदलता रहे काम, वो भी अच्छा करेगा। काम वो भी अच्छा करेगा। अरे क्या गारंटी? अभी तो जो है वो आदमी अच्छा काम करेगा, इसलिए करेगा ना अगली बार हम जीत जाए। नहीं, काम अच्छा करेगा। इस बार किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल। अभी ये कह रहे कांग्रेस, ये तो कुछ भी क्या, हमारा देखो ना क्या पूरा खड्डा में जर गया। बीजेपी की सरकार हमारा सही विकास करेगी। कौन सा काम चाहते जो नहीं हुआ विकास आप? हमारे देखो सड़क पे कितनी गंदगी है, कुछ भी काम नहीं हुआ। मुझे तो कुछ देख में नहीं है, भाई साहब कुछ देख रहा हो तो बता सकते हो। ये क्या कह रहे काम ही नहीं हुआ? नहीं, वो तो देखो अपना अपना एक विचार है कि काम तो आप गिनवा रहे थे ना। काम ऐसा है कि राजस्थान सरकार में जो बेहतर से बेहतर जो वो कर सकते थे ना एक राज्य, अगर वो काम ही करवाते तो टिकट उसको मिलता ना, उसके पति को क्यों मिलता? नहीं, ये तो इनका एक MLA का व्यक्तिगत विचार है इनका। बाकी सरकार के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस आपके विधानसभा में, आप अपने विधानसभा में बताइए, आपके विधानसभा क्या इस बार लग रहा है माहौल? मेरे हिसाब से तो अभी यही लगेगा कि जब टिकट का वितरण हो जाएगा इसका बीजेपी का, तब उसके हिसाब से पता लगेगा कि कौन जीत सकता है, कौन आ सकता है। जैसे टिकट मिल जाएगा तो क्लियर पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन दो बार 2013 की बात करें तो बीजेपी थी, मोदी। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद शायद उसके पहले भी बीजेपी थी। हाँ जी, अब की बार बीजेपी आएगी। अब की बार बीजेपी? बिल्कुल पक्का। सब दुनिया ने सोच रखा है बीजेपी लाना है। आप सोचे या नहीं? दुनिया नहीं सोच रहा है भाई, मैं घूमता रहता हूँ। इस बार किसकी सरकार ला रहा है? स्टेट में सरकार किसी की हो, लेकिन रामगढ़ से हम चाहते हैं, हमारा भाई विश्वेंद्र छोटा भाई खड़ा है, मेरा गांव से ही है। इस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, वाह, ये ऐसा विधानसभा है जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं आप? फर्स्ट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का विकास आपको दिख रहा होगा। आप रामगढ़ से निकल के आए हो, इस खेड़ी रोड की हालत ही देख लो, बाद में आगे आगे की तो बात ही मत करो आप। भैया कहते काम अच्छा हुआ है, कोई काम नहीं है। काम देखो इसका क्या है कि जो रोड का सेंक्शन हो गया है, ठीक है, उसका हो गया है, लेकिन क्या है कि अकस्मात जो अभी बरसात हुई है उसकी वजह से थोड़ा 5 साल हो गया ना यहाँ पे, 5 साल हो गए सरकार अभी खराब हुआ है। बीच में जो है अभी बरसात हुई है थोड़े दिन पहले, उसकी वजह से क्या है यहाँ आबादी है तो वो पानी भर गया, तो कुछ जगह गड्ढे हैं। बाकी यहाँ से ये तो कह रहे काम बन चुका। काम कहाँ, बाबा से पूछे, इनसे पूछे, आप किसी से पूछ ले, काम होता तो बल्ब ही नहीं है देखो सड़कों पे रात में। आप अभी एक्चुअली जो नगर पालिका अभी बनी है हाल ही में, चेयरमैन के चुनाव नहीं हुए, सरपंच जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं। अब जैसे ही चुनाव होंगे चेयरमैन के, उनका जो फंड रिलीज होगा उस तो अभी एक साल की बात है ना, ये तो अभी एक साल की बात, उसके पहले 4 साल का, उससे पहले नगर पालिका थी नहीं, पंचायतों का अपना अपना अलग वो था, तो सरपंच अपने हिसाब से विकास कर। केजरीवाल की बात कर रहे थे तो केजरीवाल की हमारे भाई हैं विश्वेंद्र चौधरी, तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको, साफिया ने चुनाव लड़ा यहाँ से, रामगढ़ में प्रधान कांग्रेस का था, स्टेट में सरकार कांग्रेस की थी, सब जगह कांग्रेस ही थी, लेकिन ग्रामीणों के लिए जो ग्रामीण अब आम रास्ता है ये देख लो, बच्चे स्कूल जाते हैं इसी में से निकल के जाते हैं वो, तो
उनके लिए कोई अलग से कोई वाहन तो लग नहीं रहा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो तो यहीं से निकलेंगे ना। तो आम आदमी को इतनी परेशानी है, यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा, आगे स्टेट बैंक के पीछे भी ऐसे ही गंदगी है। लेकिन आप कह रहे बीजेपी यहाँ पे जय आहूजा या ज्ञान देवाली जोन में किसी को टिकट मिल जाएगा, पब्लिक ने मन बना लिया है और जरूर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन आम आदमी विधानसभा से क्या लग रहा है समीकरण? विधानसभा से अब के त्रिकोणीय मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल टक्कर बढ़िया वाली देंगे। अच्छा दिखा दे, यहाँ अगर बात सड़क की करे तो इस विधानसभा की सड़कों की भी दिखा देते। आप कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं। नहीं कमजोर की नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे घर हैं आप इधर यहाँ पे ये घर हैं, ठीक है, तो नालियाँ इनकी बन गई हैं, पानी का स्थाई कोई समाधान है नहीं कि पानी जाएगा का, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आबादी की जगह है या फिर अपने अपने खेत हैं। चार साल तक मेरे को एमएलए बना, मैं नाली निकलवा दूँ एक साल में, समाधान क्या नाली और ना है तो क्यों, या तो हर किसी के सामने गड्ढा खोद दिया है, ठीक है, या फिर ये खुद के लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना। पाँच साल में सरकार देखो ना, सामने से नाली आ रही है रोड की तरफ है, फिर इस तरफ ये लोगों के अपने अपने खेत है, अब बताओ गड्ढा कहाँ पे सरकार खोदे पानी का, तो इन्हीं लोगों से लेके करेगी ना। देखो मैंने अपने घर के आगे गड्ढे खोद रखे अपने पैसे से, ठीक है, आप इधर जाके देखो क्या उन्हें ना वो बना रखा है, वो क्या बोलते कुंडा सरकारी जिसके अंदर पानी जाता है और वाटर सप्लाई बना जो साफ। सरकार तो हर जगह करेंगे ना, सरकार अब लोग अपने घर के सामने तो गड्ढा नहीं ना। देखो लोगों की गलती है ना, वो रोड पे पानी यदि छोड़ रहे हैं, सरकार किस लिए बना रहे हैं फिर, जब हमें पानी का निकासी नहीं मिलेगा सरकार किस लिए बना रहे हैं? देखो सरकार किसकी जमीन खरीदेगी ये बताओ, वहाँ पे यदि जमीन है नहीं है सरकार को, एक सरकार किसी की जमीन तो खरीदेगी नहीं भाई। ये गली है, यहाँ रोड बना दिया, बगल में नाली बना दी। अब यहाँ तुमने रामगढ़ के अंदर देखा किसी घर के आगे खड्डा दिखा आपको, नालियाँ बना रखी पक्की, भाई पता है मकान है तो पानी तो आएगा ही आएगा। नाली के लिए कोई उपाय नहीं है? नहीं है कोई उपाय, बच्चे आते हैं रोड पे। सब फर्स्ट आज से नहीं, हम तो जब से हमारा जन्म हुआ है जब से हम थोड़ा समझने लगे हैं, हमने देखा है यहाँ। अब तो फिर भी चलो एक ये रोड बनवा दिया। केजरीवाल नहीं, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल का लगता है राजस्थान में कुछ अस्तित्व है? राजस्थान में और कहीं का हमें मालूम नहीं, हम रामगढ़ की बात करते हैं। रामगढ़ से अगर मान लिया आपके विधायक बन जाते तो फिर किस पार्टी के साथ मिलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो विकास कार्य तो होगा नहीं, मिलेंगे भाई वो अकेले रहेंगे तो काम तो होगा नहीं, काम भी होगा सब कुछ होगा, अकेले रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ने कहा मिलना तो पड़ेगा। ये तो हाईकमान है, देखो किसके साथ मिलते हैं उनका ही निर्णय होगा, ये तो हम तो। आप क्या चाहते हैं, अगर आप जनता है तो आप क्या चाहते हैं, अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो किस पार्टी के साथ जाए, कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाए? फिर मिले आप लोग, ये तो मिली जुली सरकार हो गई जी बिल्कुल। अब ये रोड देखिए आप, ये सीमेंटेड रोड है, ठीक है, इसके बगल में ये टुकड़िया लगा रखी है ईंट की, कहीं से भी रोड खराब हो तो देख लो आप, कहीं से रोड खराब। अच्छा, आपके विधानसभा में अगर सबसे जरूरी स्वास्थ्य की बात होती है, एक मिनट स्वास्थ्य की बात करें तो आपके विधानसभा में कोई बड़ा हॉस्पिटल अभी नहीं खुला इस पाँच सालों में। देखो क्या होता है कि नगर पालिका तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका हुई है अभी हाल ही में थोड़े दिन, अभी ये तो कुछ दिन तो चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से जो सुख सुविधाएं हैं वो अभी बढ़ेंगी। लेकिन अगर जहाँ तक बात करते हैं चिरंजीवी योजना की, 25 लाख रुपए देते हैं लेकिन जब हॉस्पिटल ही नहीं होगा तो आदमी दिखाएगा कहाँ से? नहीं यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल है, डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है, यहाँ लोगों से बात पता चला कि सब अलवर जाते हैं वहाँ जाते। देखो अलवर एक ऐसा है कि एडवांस जो है आप चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका है, अब यहाँ से आगे जैसे एक आबादी बढ़ती है तो उसी हिसाब से विकास बढ़ता है, हॉस्पिटल का हो कॉलेज का हो जो भी चीज़ें हैं। तो एक छोटी वो थी, एक पंचायत समिति थी, अभी नगर पालिका हुई तो अभी इस हिसाब से सुविधाएँ बढ़ेंगी तो ये कार्यकाल में देखते। अच्छा आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो फिर भी अगर बात करें राज्य सरकार की तो अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं लाई, अगर रोजगार की बात करें तो युवाओं में रोजगार भी दिया, 25 लाख रुपए लोगों को दे रहा है। बेरोजगार रोज है, हाँ बेरोजगार आज भी बेरोजगार डोल रहे हैं, आज भी धक्के लगा रहे हैं। राज्यों की बात करें सबसे ज्यादा राजस्थान में जॉब मिला बच्चों को? नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मिला कोई जॉब नहीं मिला, ये खाली आश्वासन दिया गया था और कुछ भी नहीं है। और 100 मैं दावा करता हूँ आए साल पेपर लीक हो रहा है, कहाँ पर लीक हो रहा है, तो किसकी सरकार ला रहा है इस बार? बीजेपी की आनी चाहिए, कहीं है कुछ कांग्रेस से खुश नहीं है ना? बकवास है, आपके यहाँ के युवक कह रहे हैं कि कांग्रेस से खुश है, बकवास है भी। बाकी 25 लाख रुपए नहीं मिले आपको? ना कुछ भी ना मिला, कुछ नहीं मिल रहा ना, 25 रुपए नहीं मिले यार। किसानों की अगर आपसे बात करें, किसानों को कह रहे थे कर्ज माफी के लिए तो शायद सरकार ने उसमें कहीं चूक दिखाई है, किसान इससे ना। देखो पिछली बार जो वादा किया था राहुल गांधी जी ने, वादा किया था राहुल गांधी जी ने, बोला था कि कर्ज माफी हो जाएगी सरकार आई तो,
ऐसे ही केंद्र में अमित शाह जी ने बोला था 15 लाख खाते में आ जाएंगे, तो ये जो चुनावी जुलमे हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो पिछली बार कर्ज माफ़ी में जैसे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव कई बार माफ़ करी है ठीक है, जो छोटा बजट होता है किसानों का जो खाद बीज के लिए होता है वो कई बार माफ़ करी है। तो मैं ये होता हूँ कि किसान की हित की सरकार है, किसानों के लिए बहुत अच्छी सरकार है, तो जैसे काले कानून बीजेपी लाई थी ऐसा कुछ नहीं है, किसान की हित की सरकार है, बहुत अच्छे कह रहे किसान की हित की सरकार है, काले कानून लाई बीजेपी जैसे काले कानून नहीं लाए इसने। भाई साहब बीजेपी वाले काले कानून तो है ही नहीं, बीजेपी के पास कौन कह रहा कांग्रेस नहीं है भैया, ये तो कह रहे कौन सा कानून। देखो ये जो 3 बिल लाए थे ना, जो एग्रीकल्चर के 3 बिल थे जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती, तो बाद में कैंसिल हुआ था, कैंसिल हो गया। तो क्यों, एक बात बताओ कि एक संसद में जो बिल पारित हो गया, इतने बड़े बड़े लोगों ने बिल पारित किया था, तो वो बिना सर्वे के हो गया था क्या? कम से कम ग्राउंड पे लोगों की हकीकत जानते कि कितने लोग इसे नाराज है, क्या इसे फायदा है। सौ बातन की एक बात बताऊँ, मेरा कहवा सू तो कांग्रेस सरकार आएगी ना, ये भाई का कहवा सू बनेगी ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे। बीजेपी कौन सा ऐसे काम है जिससे आप खुश हो, ये बताओ बीजेपी कौन सा ऐसा काम है अभी तो फिलहाल में? कोई भी काम ये है कि जो उन्होंने बोला है वो काम वो अपने तरीके से करते हैं, सेटलमेंट से करते हैं। ये नहीं है कि हमको कि रुपये किलो का अनाज चाहिए, रुपये किलो का अनाज नहीं चाहिए हमको, ठीक है हमारा सुरक्षा कार्ड बढ़िया वो चाहिए हमको, जो सुरक्षा कवच है हमारा वो बढ़िया चाहिए, जब सुरक्षा कवच ही बढ़िया नहीं है तो फिर क्या फायदा? जैसे योजना है इनकी सारी योजना है, अशोक गहलोत मोबाइल बांटे थे, गहलोत सरकार ने मोबाइल बांटे, चक्कर लगा रही है 60-60 साल की लेडीज है, जो बताओ किसको मोबाइल मिले, किसी को मोबाइल नहीं मिला आपके विधानसभा में? नहीं, काफ़ी लोगों को मिला है, 9वीं से 12वीं तक कक्षा की जो लड़कियाँ हैं उनको मिला है, विधवाओं को मिल चुका है। तो ये क्या था, एक प्रायोरिटी के हिसाब से दिए जा रहे थे कि पहले लड़कियों को दे रहे हैं उसके बाद विधवाओं को दे रहे हैं, तो ऐसे प्रायोरिटी के हिसाब से दिए जा रहे थे, लेकिन मोबाइल इसका मतलब मोबाइल बढ़ते बढ़ते तो 2 साल हो जाएंगे। में क्या ये अभी अच्छा, अगर ये बात आप करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में सरकार बना दी है, दिल्ली में बना दी है, राजस्थान में कोई दौरा आपके यहाँ नहीं किया? दौरा कर अपने विधानसभा की बात करें तो आपके आपके जिला में भी नहीं आया, यहाँ भी नामांकन से पहले आने की उनकी पूरी संभावना है। नामांकन जब जिस दिन हम नामांकन भरेंगे उस दिन केजरीवाल या भगवंत मान CM पंजाब आ सकते हैं, उनकी पूरी संभावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी आ रही तो विकास होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी और बीजेपी ही आएगी यहाँ, ये 100% है कि बीजेपी आएगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं है, खाली पार्टी होनी चाहिए, पार्टी बीजेपी आएगी। मैं रामगढ़ में अब की बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विश्वेंद्र चौधरी आएंगे, दिल्ली की जितनी भी योजना है गरीबों के लिए सबके लिए लागू होगी। अलग से योजना लागू होगी इस विधानसभा में? नहीं, अलग सरकार तो बनेगी नहीं, उनका सरकार नहीं बनेगी, लेकिन योजना को लागू करेंगे, फैलाएंगे सबके सामने। योजना को एक MLA साहब कर सकते हैं सारी योजना, जो दिल्ली के अंदर योजना चल रही है एक MLA कर देगा यहाँ पे? एक MLA तो करेंगे नहीं, तो किस पार्टी के साथ मिलेंगे अगर आते हैं तो? किस पार्टी के साथ? सुनो, 200 विधानसभा में MLA उतारे वो जीतेंगे, सभी जीतेंगे, और पूरा सिस्टम है जो दिल्ली में लागू है, फ्री शिक्षा, जल पानी सब चीज फ्री मिलेगा सबको। लोग इतिहास बदलने के बाद पूरा भूगोल ही बदल लेगा, पूरा ले आ बदलेगा। आम आदमी पार्टी चार तरफ सिस्टम देख के आदमी जागरूक हो गया है, अपने मत का प्रयोग करेगा, आम आदमी पार्टी आएगी और जीतेगी। इनका कहना है कि बस दिल्ली और पंजाब में विकास हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी सरकार से जहाँ भी है जहाँ विकास है पूरा विकास कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया। ऐसे कहने से पार्टी नहीं बनती, पार्टी कहने के लिए भाई सब बच्चे उन जो पब्लिक है ना उनका दिल देखो, बीजेपी की पार्टी बनेगी हम, खैर सरकार भी सरकार आप, अगर आपके यहाँ बात करें तो जो 2 बार लगातार विधायक रहे थे, विधायक जो रहे थे लगातार 2 बार, उनको जब बदला गया तो उसके बाद वो हार गए, जो लगातार 2 बार विधायक थे उनका टिकट काटा गया वापस, वो दूसरे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो हार गए। तो इस बार आप किसको देखना चाहते हैं बीजेपी में? बीजेपी में हम तो कोई भी आ जाए, कोई है कोई भी, जय आ जाए चाहे ज्ञान देवा हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और सभी विधानसभाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे, क्या कुछ मिजाज है सब देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार।